नमस्कार दोस्तों, आज 14 नवंबर 2022 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का फलों का क्या बाजार चला, मंडी में क्या क्या रेट है फलों के। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अनार की। चलिए जान लेंगे दोस्तों आज का अनार का क्या रेट है, आपको बोली दिखा दें यहाँ पर अनार की, फिर और फलों का रेट जानेंगे। 1120, 1140, 1150 दोस्तों ये गया 1150 रुपये डब्बा, 16 डब्बों का लाट था। ये वही सारी टीम है जिनकी बैठी यहाँ पर जो काम कर रही, और वही ग्राहक हैं, यही मंडी का दृश्य है। वही जैसे पंछी एक डाल से दूसरी डाल पर ये ग्राहक, कोई आएगा यहाँ पर कोई जाएगा, सारी मंडी में बोलियाँ चली हुई हैं। आज दोस्तों काबुल की भी गाड़ियाँ आई मंडी में, आपको काबुल का भी रेट दिखाएंगे। जो बड़े वाले कंटेनर हैं ऐसे कितने कंटेनर आए जान लेंगे। उधर गोल्डी बाबू जी से, भाई साहब से आज का क्या रेट चला पहले यहाँ देख लें। लो दोस्तों बहुत बढ़िया अनार, लो जी बाबू जी से तो 1400 मांग रहे जी। आज तो मास्टर जी यहाँ पर आए जी, मास्टर जी कहाँ जा लिए। चौदह सौ रुपये मांग रहे जी बाबू जी तो, लो जी 1100 रुपये लगाए जी उसने। बारह सौ मांग रहे बाबू जी, 1150 भाई, लो जी 1150 में गया। हाँ जी बाबू जी, आए जी, कितनी गाड़ियां हैं बाबू जी आज जी? भाई काम कर रहा नहीं, कर रहा जी। हाँ जी गाड़ी है, 10 गाड़ी गुजरात की होंगी, 10 एक गाड़ी महाराष्ट्र की है। अच्छा जी, और 10-12 कंटेनर है बड़े वाले कुल्लू के, काबुल के दोबारा लिया जी, काबुल ज्यादा आ गया। अच्छा जी, बॉर्डर पर रुका हुआ था 4 दिन से। हाँ जी, वो इकट्ठा ही आ गया सारा। और क्वालिटी कैसी है जी? काबुल तो अब लास्ट ही है जी, मेरे को लगता है और एक हफ्ते का खेल है बस। अच्छा जी, हाँ हाँ। और जो गुजरात की 10 गाड़ियां हैं जी आज? गुजरात की ज्यादा है। अच्छा जी, गुजरात के रेट क्या चल रहे जी? गुजरात के जो अच्छे माल है वो बिक रहे हैं 1000 रुपए तक, छोटे माल ज्यादा है उसमें। अच्छा जी, बढ़िया माल कम है अभी। अच्छा जी, अच्छे माल को रेट ठीक है। और जो महाराष्ट्र की बात करें जी, महाराष्ट्र वाले? महाराष्ट्र के अच्छे माल है, बढ़िया माल 1400-1500 तक है रेट अपने पास जी। हाँ अच्छा जी, बढ़िया माल के। अच्छा जी, और नीचे में जी? नीचे माल जैसा 400-500-600 जो जूस वालों के लायक होता है वो क्या रेट का जी? छोटे माल कम हो गया अभी। हाँ जी, बढ़िया माल होगा, जूस वाले 500-600 रुपए छोटे बिक रहे हैं। अच्छा जी, हाँ। क्वालिटी सारी बढ़िया जी अभी? क्वालिटी बहुत बढ़िया, खाने में सबसे बढ़िया अनार ही है ये इस टाइम, ये अभी जो महाराष्ट्र का ही। अच्छा जी, दिवाली के बाद ये नया अनार शुरू हुआ है, दिन ब दिन अच्छी क्वालिटी बनती जा रही है। अच्छा जी, हाँ हाँ, धन्यवाद सर जी, ठीक है। तो दोस्तों 11 किलो माल है समय, लास्ट शो देख ले, ये थोड़ा छोटे साइज पे है, छोटे साइज पे, मीडियम साइज है, मीडियम साइज देख के इनके कान खड़े हो गए, इसी को मांगते हैं। सिर्फ 20 डब्बे का लाट है जी, जैसे इनके कान खड़े और देख रहे, मुझे लगता है आठ सौ पचास, 60 भाई, 70 भाई, 80 भाई, 900 भाई, 900 रुपए। ये थे दोस्तों अनार के रेट। तो जान लेंगे गोल्डी भाई साहब के पास, जो अपना ये काबुल वाला अनार आया है, ये गाड़ियां ही कंटेनर काबुल के आते हैं दोस्तों, बड़े वाले अंदर से हैं सारे के सारे, जो क्रेटों में आता है। और दोस्तों इनके पास आया आज ये जापानी फल, जिसको जापानी फल बोलते हैं परसीमन, जान लेंगे इसका क्या रेट है। और ये अपना काबुल वाला अनार है, और ये दोस्तों आया इनके पास ये गुजरात वाला अनार, जान लेंगे गुजरात वाले अनार का भी क्या कुछ बाजार चला। ये दोस्तों इनकी दुकान का एड्रेस है, इनका मोबाइल नंबर है, ये ऊपर वाला नंबर ये राकेश भाई साहब का है। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। भाई साहब जी, काबुल की कितनी गाड़ियां आ रही जी मंडी में टोटल? काबुल की आज 8-9 गाड़ियां हैं, क्योंकि 3 दिन बाद बॉर्डर खुला, बॉर्डर बंद था 3 दिन के लिए। अच्छा जी, तो इकट्ठा लोड आ गया इसलिए। अच्छा जी, अच्छा जी, जो एक कंटेनर में कितना माल आता है जी? एक कंटेनर में 1200 क्रेट आते हैं जी। 1200 क्रेट जी। अच्छा जी, अच्छा,
तो आज का काबुल के क्या क्या रेट चले जी है? काबुल 900-950 के आसपास खुला है जी रेट। 900-950 रुपए की क्रेट जी है। जी जी। अच्छा जी, और वजन कितना है जी इसमें? वजन 9 किलो माल माल है जी। 9 किलो माल जी। जी। और जो बात करें जी इसकी, ये कहाँ वाला जी है? ये गुजरात का है जी। अच्छा जी, गुजरात जी। माल छोटा नहीं है जी अभी? नहीं, मोटा बिक गया, ये छोटा ही बड़ा मोटा सारा बिक गया था, मोटा काफी सारा। अच्छा जी, जो गुजरात का बढ़िया माल है जी मोटा, वो ऊपर 1100 रुपए तक बिका है जी। 1100 तक जी। और ये इस रेंज में क्या रेट चल रहा है? ये गोली बिकती है 400-450, ये 350-400, 450 जैसे ग्राहक लग जाए। अच्छा जी। अच्छा जी, तो जो बढ़िया माल आ रहा गुजरात का, उसकी कटिंग कैसी है जी? कटिंग अभी डार्क पिंक है, अभी रेड नहीं हुई, पिंक है डार्क। अच्छा जी, कितने दिन तक बन जाएगी जी क्वालिटी? लगेगा अभी 15-20 दिन लग जाएंगे, दिसंबर स्टार्टिंग में समझ लो बन जाएगी, दिसंबर बीच में तक। अच्छा, ठंड बढ़ जाती है ना, लाल हो जाता है फिर। अच्छा जी। अच्छा जी, और जो बात करें जी जापानी फल कितना आ रहा जी मंडी में आजकल? जापानी फल कम आ रहा है, पीछे तेजी है इसकी। अच्छा जी, जापानी फल बिक रहा है 150-180 रुपए किलो तक जी। 150 रुपए से लेकर इसकी दो तय बिकी है इसकी 1800 रुपए की जी। हाँ जी, ये सिंगल लेयर बिकेगा 1100 रुपए के आसपास। सिंगल लेयर 1100 रुपए, 6.5 किलो 6.5 किलो वजन है सिंगल लेयर में, 6.5 किलो माल माल है जी। और डबल लेयर में जी? डबल लेयर 13 किलो कांटे पे था, 12-12.5 किलो माल है जी। अच्छा जी। अच्छा जी, दोनी का रेट कितना, क्या रेट बताया जी आपने? वो 1800-1700, ये बिकेगा 1100-1100 रुपए तक जी। अच्छा जी। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार अपना दुकान का एड्रेस, मोबाइल नाम फ्रूट C23, मोबाइल नंबर 9999-467-555 जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। दोस्तों एक इनके जो मोबाइल, ये राकेश भाई साहब है ऊपर, ये भी इनके ही बंदे। दोस्तों आप पहुंच चुके हैं 16 नंबर शेड में, जान लेंगे 16 नंबर शेड में आज का अमरूद का क्या बाजार चला। जो देसी वाले अमरूद है, जो अपना रुद्रपुर काशीपुर और अपना ये सवाई माधोपुर राजस्थान के आते हैं, जान लेंगे देसी वाले अमरूद का। और VNR अमरूद है जो बढ़िया वाले रतलाम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सांगली के आते हैं। और इनके पास आया दोस्तों ये शरीफा, जानते हैं इसका भी क्या बाजार चला, क्या रिपोर्ट है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी? राज बाजार वही है। हाँ जी, जैसे बाजार है, बाजार में कोई ऐसा उठाव खास। अच्छा जी, जो देसी की बात करें जी, देसी की कितनी गाड़ियां आ रही जी भाई? राणा जी, अब अपना सवाई माधोपुर की गाड़ियां तो वही हैं। हाँ जी, 25-30 गाड़ियां हैं। अच्छा जी, बाजार उनके वही हैं, जो मीडियम माल आ रहे हैं वो है अपने 18-20-22-24 रुपए तक। हाँ जी, जो बढ़िया माल है वो 30 रुपए तक बिके। अच्छा जी, ऊपर से नीचे तक एक जैसे। अच्छा जी। जी, और अपना अपना काशीपुर जो आ रहा है। हाँ जी, काशीपुर का माल कम है। हाँ, काशीपुर का माल मेरे पास एक आया था ट्रिपल के मार का। हाँ जी, वो भी का अपना 22-23 रुपए तक। अच्छा जी। अच्छा, और एक माल आया हुआ अपने पास, जैसे ये माल आए, इन मालों में सफाइयां नहीं है। हाँ जी, इन माल में मांग रहे हैं इनके 20-25 रुपए, लेकिन इनके बाजार नहीं लग रहे, 15-16 रुपए का बाजार लग रहा है। अच्छा जी। अच्छा, और जो बात करें भाई साहब जी, ये कहाँ वाले जी? सांग लिया के रतलाम है जी? ये रतलाम है सारा। अच्छा जी, रतलाम का क्या बाजार चला जी? रतलाम का बाजार रहना जी 40-45 रुपए। 40-45 रुपए, ये मीडियम, जो सुपर फाइन क्वालिटी है जी, अच्छे से अच्छा माल 45 रुपए। अच्छा जी, आधा लाट होगा जो 50 रुपए सुबह अंधेरे में उठा होगा। अच्छा जी, और जो सांगली वालों की बात करें जी? सांगली वाले रहना, यही बाजार है, अच्छे से अच्छा बाजार रहने दो। हाँ जी, बाजार है 40-45, लास्ट 50 रुपए। लास्ट 50 रुपए। अच्छा जी, जो हल्के माल हल्के मालों का उठाओ। और आज ये छोटा है जी आपके पास ये शरीफा थोड़ा? ये राणा जी मंगा बोला तो व्यापारी ने गोल्डन था, लेकिन ये मीडियम चाल में आया हुआ। हाँ जी, इसका बाजार राणा जी ये चल रहा है 500-550-600 रुपए। 600 रुपए दो चार डब्बे है। हाँ जी, बाकी 500-550। 10 किलो का डब्बा जी? 10 किलो का डब्बा। अच्छा जी, जो सुपर गोल्डन है जी मोटे माल? सुपर गोल्डन माल राणा जी मान के लो 80 रुपए से लेके 100-110 रुपए तक। 80 रुपए से लेकर 110 रुपए के गोल्डन माल है, बढ़िया मोटे। अच्छा जी। अच्छा, बिक्री कैसी है जी आज ये? बिक्री राणा जी वैसे स्लो ही है, बिक्री में ऐसा कोई तेजी नहीं है। हाँ जी, बाकी ये की यहाँ थोड़ा थोड़ा ग्राहक चल रहा है, माल उठ रहा थोड़ा। अच्छा जी, चलो माल उठना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब अपना मोबाइल नंबर जी? विशाल एंड कंपनी 8588005252। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जान लेंगे रिहान फ्रूट कंपनी पे भी आज का क्या बाजार चला। इनके पास भी भाई साहब के अमरूद आए हैं, VNR अमरूद, डायमंड और शरीफा। और इनके पास आया दोस्तों देसी अमरूद। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। भाई साहब जी कैसे? बढ़िया जी। भाई साहब जी कैसा बाजार चला जी अमरूद का जी? माल ना रतलाम के माल इतने बढ़िया नहीं है, जिसका बढ़िया माल है उसको तो 50 रुपए बिक रहा है, बाकी नीचे माल बिक रहे 35-40 रतलाम वाले जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, और सांगली भी आ रहा है जी अपने पास? सांगली भी आ रहा है। हाँ जी, सांगली का माल बेचा 60-55 रुपए। अच्छा जी। हाँ जी, 55-60 तक गया जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, रतलाम वाले थोड़े हल्के आ रहे ज्यादा? रतलाम के माल अभी बने नहीं है। हाँ जी, जो जिनके बन गए माल, जिनके बहुत बड़े माल आ रहा है उनको बिक रहा है 50 रुपए। अच्छा, नीचे 40 रुपए।
अच्छा जी, और जो बात करें सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर का आड़ा जी बिक रहा है 18 रुपए से लेके 26 रुपए तक, 18 से 26 रुपए, और एक दो लाट आ रहे वो 30 भी बिक रहे हैं। यानी जिस दुकान के पास जैसी क्वालिटी वैसा ही माल वैसे ही रेट जी। हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब जी। अपना मोबाइल नंबर जी, रियान फूड कंपनी आजादपुर मंडी दिल्ली, मोबाइल नंबर 9818188776। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों जान लेंगे इन भाई साहब के पास भी आज का अमरूद का क्या बाजार चला और क्या रेट है इनके पास भी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। भाई साहब जी कैसा बाजार अपने पास, कहाँ के अमरूद आ रहे जी हैं? मेरे पास आ रहे जी एमपी और महाराष्ट्र दोनों का आ रहा है जी। अच्छा जी, तो एमपी वाला का क्या बाजार चल रहा जी? एमपी वाला चल रहा जी 40-45-50 और महाराष्ट्र वाला 45-50-55। अच्छा जी अच्छा, 10 किलो की पैकिंग। तो आपका भी अमरूद का ही काम है जी? अमरूद है, टमाटर है, अनार है, आम का काम के है। तो ये बैठे किंग है जी, टमाटर को बेचते ही हैं जी, है आम का काम भी है अपना। अच्छा जी अच्छा, ये अमरूद का भी चल पड़ा जी जी, जी और देसी वाला नहीं बेचते आप अमरूद? नहीं देसी नहीं, हम टोटल हाइब्रिड बीएनआर ही बेचते हैं। धन्यवाद भाई साहब जी। अपनी दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी? MPJD397 राकेश जुनेजा मेरा नाम है, 9312238365। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, धन्यवाद। लो दोस्तों, आपकी काफी इंतजार थी कि बिल्लू भाई कहाँ है, बिल्लू भाई कहाँ है, बिल्लू भाई कहाँ है। लो दोस्तों, बिल्लू भाई आज फिर दोबारा एक बार आपके सामने आ चुके हैं। जान लेंगे आज का बिल्लू भाई की दुकान पे क्या रेट चला शरीफे का, अमरूद का, और ये इतने दिन कहाँ तक थे। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। भाई साहब जी अपने ही मुँह से बताओ आप कहाँ थे, मैं तो नहीं बताऊंगा जी। भैया मेरा इसके अलावा कोई और कोई काम है। हाँ जी, मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ। अच्छा जी, तो जब माल कम होता है तो फिर कम आता हूँ। हाँ तो मेरा डेली आना पक्का होता है मंडी के अंदर। अच्छा जी, अब मेरा सीजन चालू हो गया, रोज मिलूंगा। हाँ जी हाँ जैसा, तो लोग पूछते थे रोज कहाँ गए बिल्लू भाई साहब, कहाँ गए कहाँ गए, इंतजार देख देख के आपके जो फैन है वो देखने वाले बहुत लंबी इंतजार में। मैं सभी अपने फैन को नमस्कार करता हूँ और कुछ लेट होने की माफी मांगता हूँ। अच्छा जी, कोई बात नहीं, अब मुलाकात रोज होती रहेगी, 5-6 महीने का सीजन है हमारा ये। अच्छा जी, रोज मुलाकात होगी। तो आज कहाँ कहाँ के अमरूद आ रहे जी अपने पास जी? ये भैया जी महाराष्ट्र से भी है। अच्छा जी, मध्य प्रदेश से भी है। हाँ जी, रायपुर तो, छत्तीसगढ़ से भी है। अच्छा जी, जो बात करे यार मध्य प्रदेश वालों का क्या रेट चल रहा है इनका? भैया जी रेट कुछ नहीं है, 30-35 रुपए हाईएस्ट 40 रुपए का रेट है आज की रतलाम वाले जी। आज की रेट के, और कोई भी है अमरूद जब मद्दा आता है तो अमरूद अमरूद ही गिना जाता है, उसमें कोई रतलाम और कोई मध्य प्रदेश नहीं गिना जाता। अच्छा, कुछ नहीं गिना जाता उसमें, तो फिर सिर्फ अमरूद ही होता है वो। हाँ जी हाँ जी, अमरूद को बेचना पड़ता है, रोकने वाली चीज है नहीं। अच्छा जी, अरेवल बहुत है। हाँ जी हाँ जी, इस वजह से बाजार ऐसे ही चलेगा। और जो बात करें जी भाई साहब ये सांगली वाले, सांगली वाला थोड़ा 5-7 रुपए का फर्क आता है बेचने में। अच्छा जी, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा जी अच्छा, और जो बात करें जी शरीफे का कहाँ का बाजार, ये कहाँ वाले शरीफे आ रही है? ये इसका बाजार चल रहा है 60 रुपए से लेके 80 रुपए तक। 60 रुपए से लेकर 80 रुपए शरीफा जी है? हाँ, ये महाराष्ट्र का माल है। अच्छा जी अच्छा। हाँ जी बाबू जी, कब तक चलता रहेगा बाजार, कब तक उम्मीद है दोबारा लेवल में आएगा ऊपर, जो किसान उम्मीद करते हैं, क्योंकि 35-40-50 रुपए में इनका भी काम नहीं चलता, क्योंकि ये वीएनआर है, इसका खर्चा भी बहुत आता है। जो मध्य प्रदेश वाले हैं अपना महाराष्ट्र वाले हैं पूछना चाहते हैं, और आपके पास पपीता कब आएगा जी दोबारा? अमीना पपीता आएगा परसों, अमीना। अच्छा जी, ये रायपुर छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये रतलाम का है। अच्छा जी, किसान का लगाया हुआ है। अच्छा जी, अब अगर टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा जी, इसके बारे में बताओ। अमरूद के बारे में तो ऐसा है, अब सीजन चल पड़ा है। हाँ जी, अभी हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो है राजस्थान का अमरूद भी बहुत आता है। हाँ जी, चलो ये तो फिर भी टिकाऊ होता है, इस वजह से दुकानदार इसको ले जाता है कि 2-3 दिन में बिक जाएगा कोई बात। हाँ जी, मगर जो राजस्थान का होता है वो एक दिन से दूसरे दिन नहीं चलता है। अच्छा, उसका कलर चेंज हो जाता है, और जब पीला पड़ जाता है तो ग्राहक लेने से मना कर देता है उसको। हाँ जी, तो इसलिए जो भी बाजार बिक रहा है अभी वो बाजार उठने की संभावना तो है नहीं। अच्छा जी, ये बात दूसरी है कि आगे शादियाँ चालू होने वाली है, अब आज आइए 40 रुपए बिक रहा है, 45-50 का बिक जाएगा, फिर उठाओ। अच्छा, बन जाएगा, यानी शादियों के सीजन में भी ज्यादा ज्यादा 10 रुपए बढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, लोग टोकरे देते हैं, टोकरियां देते हैं, तो एक माइक पास कर लो जी, माइक पास कर लो जी, एक दो दो दाने जो है टोकरों में डल जाते हैं, इसलिए उस टाइम उठाव हो जाता है। अच्छा जी अच्छा, तो अपने दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहोगे जी? सबको नमस्कार करना चाहूंगा। हाँ जी, आगे मिलते रहने का वादा करना चाहूंगा। अच्छा जी, फिर मिलूंगा। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों जान लेंगे 18 नंबर सेट में आज का संतरे का क्या बाजार चला, जो 18 नंबर सेट में संतरा आता है कितनी गाड़ियां ही, जान लेंगे संतरा मंडी के प्रधान जी आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। सर जी नमस्कार जी।
धन गुरु नानक जी। गुरु नानक सर जी कितनी गाड़ियां जी आज? जी आज सर जी सवेरे 35 थी, बाद में रिपोर्ट आई है 3 गाड़ी बढ़ गया 38 गाड़ियां हो गई। 38 माल बढ़ गया 38। हाँ जी, ये भवानी मंडी थोड़ा जोर मार रही है। हाँ जी, लैन थोड़ा अभी फिर भी पीछे है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, बाकी लैन की तो वो उधर की जो भवानी मंडी की, हाँ जी, बहुत ज्यादा गाड़ियां हो गई है। अच्छा जी, और देखा जाए तो फिर भी बाजार के हिसाब से संतरे भवानी मंडी के भी ठीक बिक रहे और लैन के भी ठीक बिक रहे। अच्छा जी, जो लैन के संतरे मजबूत है, क्वालिटी अच्छी है, चिकनी है, हाँ जी, उनके तो रेट सेट जी 1200 से लेके 1400 रुपए तक। कितने दाना जी है? जो 41। अच्छा जी, जो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, जो हल्के हैं वो तो हल्के के रेट तो देखो जी सदियों से ही चलते आ रहे हैं, उनके नॉर्मल ही रेट रहते हैं। अच्छा जी, अच्छा। और जो जो भवानी मंडी के हैं वो भी देखा जाए तो लैन का मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा जी, संतरे उनके भी अच्छे हैं, साइज अच्छा बन गया है। हाँ जी, क्वालिटी अच्छी है, चिकनी क्वालिटी है। हाँ जी, जिनके जो वजन है वो 26 किलो से पार है। अच्छा, भवानी मंडी का भी। अच्छा, और हमारे लैन के भी 26 किलो के करीब है। अच्छा जी, संतरे लगभग देखा जाए तो आज बिक रहे हैं। हाँ, मगर स्लो गति में बिक रहे हैं क्योंकि गाड़ियां ज्यादा हैं। 38 गाड़ियां थोड़ी नहीं होती, 38 गाड़ियां बहुत हो गई है। हाँ जी, मगर अभी तो एक गाड़ी में कितनी क्रेट आ रही है? 38 गाड़ियां तो संतरे की, लैन की और भवानी मंडी के। हाँ जी, जो लूज की 25 गाड़ियां है उसको तो गिनती में लेते ही नहीं हम लोग। अच्छा जी, असली गिनती तो वहां से शुरू हो। अच्छा, 25 गाड़ियां लूज की जो लग रही है। हाँ जी, वो भी तो कारोबार कर ही रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और वो मंदा बेच रहे हैं। हाँ जी, जो लूज है वो मंदा बिक रहा है, लैन जो क्रेटे हैं वो ढंग से बिक रहे हैं, उनके पैसे बन रहे हैं। अच्छा जी, जो लैन वालों का क्या रेट है जी? लैन वालों के जो जो बढ़िया माल है, हाँ जी, वो 1200 से 1400 रुपए तक है। हाँ जी, 1100 में भी है। जो हल्के भारी जो माल आ रहे हैं ना, हाँ जी, उनके रेट बहुत ही नहीं मिल रहे। अच्छा जी, क्योंकि जो चूरे चारे टाइम में है, जो 96 चूरे टाइम में है, हाँ जी, वो 800-700-800 के। अच्छा जी, 96 बिक रहे हैं। जो बढ़िया 96 है, हाँ जी, वो 1000-1100 रुपए के अंदर है। अच्छा जी, जो ठीक ठाक अच्छा, हाँ जी, जो बहुत ही बेटर है, बिल्कुल चिकना है, वो तो 1300 रुपए तक भी है। अच्छा जी, मगर माल के ऊपर है जी, माल जो बढ़िया आ रहा है वो इज्जत से बिक रहा है, जो माल हल्का आ रहा है वो पड़े ही पड़े। अच्छा, वही बैलेंस होते हैं, वही पड़े रहते हैं। हाँ जी, लगभग मंडी के अंदर माल जिस तरह है, हाँ जी, उस हिसाब से माल क्लियर तो देखो जी ऊपर वाला करे, हाँ जी, वाहेगुरु करे तो क्लियर होने की पूरी पूरी कोशिश है आरती की। अच्छा, और थोड़ा मंदा ठंडा करके वो कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिक्री रोज से ठीक ही है फिर भी? हाँ, बिक्री बहुत अच्छी है। अच्छा जी, बाकी संतरे बिक रहे हैं। सोमवार के हिसाब से आज डबल मंडी होती है हमारी। हाँ जी, क्योंकि इतवार की छुट्टी पड़ती है तो ग्राहक भी डबल ही है। ग्राहक जो है डबल ही निकलता है। अच्छा जी, और माल बिक रहे हैं। धन्यवाद सर जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? हमारी फर्म का नाम है विकी ट्रेडर्स, B802-803। दुकान नंबर है और शेड नंबर 18 में 25 नंबर खंबा। और मोबाइल नंबर जी? मीठे थे हमारे पास लैन के। और मोबाइल नंबर जी? मोबाइल नंबर 9811-11-7144। किसी भाई को अगर संतरे मीठे चाहिए हो, क्वालिटी दे लाइन के, वो हमसे ले सकता है। अभी भवानी मंडी जो है थोड़ी फीकी चाल है। हाँ जी, उसमें मिठास अभी नहीं आएगी। हाँ जी, 10-12 दिन के बाद वो भी मीठे हो जाएंगे। धन्यवाद। क्योंकि नई चीज चली है। हाँ जी, तो देख तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, मगर संतरे अंदर से फीके हैं। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का मौसमी का क्या बाजार चला, मौसमी की कितनी गाड़ी भाई साहब के पास जो है मौसमी आई, जान लेंगे इसका क्या कुछ बाजार है। और जो दोस्तों आता है मंडी में अब किन्नू पता नहीं पे आकना, रजिंदर कुमार गोगिया जी की दुकान पे गया, वहाँ किन्नू तो था, मौसमी नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ से रेट ही नहीं पूछा, क्योंकि जिस दुकान से दोनों का रेट पता चल जाए तो वहाँ ठीक है। चलिए जान लेंगे आज का क्या बाजार चला। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का क्या कुछ बाजार चला जी? आज का बाजार वो परसों जैसे ही बाजार है, पर माल अच्छे नहीं है, कलर में माल हो गया है। अच्छा, कितनी गाड़ियां जी वैसे टोटल मौसमी की? आज मौसमी की गाड़ी है 20। अच्छा जी, 20 जी। तो कलर की दिक्कत आ रही है इसमें? हाँ, गोरानी जो महाराष्ट्र की आती है वो कलर पकड़ता जा रहा है माल। हाँ जी, इस वजह से मीठा जरूर है। हाँ और जी, आंध्रा की नई मौसमी भी आ गई, आज 5 गाड़ी आंध्रा की भी। अच्छा जी, जो आंध्रा वाली है जिसका क्या बाजार चल रहा जी? नए आंध्रा और इसमें 3-4 रुपए का फर्क है किलो। अच्छा जी, तो जो ये अपना जो पीले माल है जी, इनका क्या बाजार चल रहा जी? पीले माल का 30-32 रुपए किलो।
अच्छा जी, अच्छा। ये जो कलर वाला माल, हाँ ये जूस वाले ले आते हैं, किन्नो में मिला के देते हैं, ये मीठा है, किन्नो खट्टा होता है, तो इसलिए उनका चल जाता है। अच्छा जी, अच्छा। तो आज इसका रेट क्या क्या रहा जी, एक से लेकर पांच तक मौसमी का जी? एक का 55-56 रुपए एक नंबर, हाँ जी। मीडियम 55-56, हाँ जी। तीन नंबर 48-47, हाँ जी। चार नंबर 38-40। अच्छा जी, अब तो बहुत ही कम हो गए जी 20 गाड़ियों में तो। हाँ, तो बाजार सर ठंड में मौसमी बिकती भी कम है, और पूरे 600 किलोमीटर जो जाती है वहाँ से रिक्वायरमेंट भी कम आती है। अच्छा, तो क्वांटिटी कम हो गई है। अच्छा जी, अच्छा। और सर जी बात करें जी किन्नू का, किन्नू भी अपने पास आ रहा जी? हाँ, किन्नू है सीढ़ी, आज मंडी में 40 गाड़ी है। अच्छा, टेम्पू आते हैं 4 टन से लेके 10 टन। ये जो पंजाब वाले जी, अब और 200-250 किलोमीटर है गंगा, हाँ जी। तो इसका क्या बाजार चल रहा है जी किन्नू का जी? किन्नू का 20 रुपए से लेके 23 रुपए तक मिक्स बिक रहा है, हाँ जी। 8 के 25 रुपए बिक रहा है एक नंबर। अच्छा जी, अच्छा। और जो माल्टा भी है जी मंडी में? माल्टा बिल्कुल खत्म है, रफ माल्टा आ रहा, माल अच्छा नहीं, माल्टा खत्म ही हो लिया जी। तो सर जी उसकी क्या लात है जी अब अंगूर के जी, कितना अंगूर आ रहा जी मंडी में? आज 2.5 गाड़ी है अंगूर की, 2 फुल है, एक हाफ पार्ट गाड़ी आपके पास जी? हाँ। नहीं नहीं, टोटल मंडी में, टोटल मंडी में 2.5 गाड़ी सिर्फ। हाँ। ये क्या बात जी, आज अराइवल मंदा था पीछे, हाँ जी। सारे किसानों के, हमारे सटाना वाले किसानों के पैसे बन नहीं रहे थे, हाँ जी। उनको बंद कराया हुआ था। अच्छा, नुकसान तो सर नुकसान ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। और ये थोड़ा काबुल का आ रहा था, इस वजह से वो हमारे बेचारे किसानों की पिटाई हो रही थी। अच्छा जी, किसानों को बेचारा वो रुकवा रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा रुक जाएगा। तो आज आज काले की 500 से लेके 750 रुपए पहुंची है, जो जिसमें 10 पैनेट आते हैं। हाँ, 10 पैनेट, 5 केजी। 5 केजी वाइट की है, 300 से लेके 500 रुपए, 300 से 500। फिर भी कोई ज्यादा रेट नहीं बढ़ा जी इसमें? तो फिर भी पहले तो बिक रहा था 200 से 300 रुपए। अच्छा जी, बहुत डिफरेंट था ना सर जी। अच्छा जी, 180 रुपए बेचारा किसान को खर्चा, और क्या अब मीठा भी हो गया है, हाँ जी, धीरे धीरे कलर में आ गया किसान का नुकसान, तो सीढ़ी हमारा नुकसान है ना। अच्छा, किसान जिंदे है तो हम भी जिंदे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये बात। अच्छा ये बताओ जी, जिसका आज की तारीख में भी 250 रुपए बिक रहा जी, सफेद वाला, उसको छोटा डाउट था, 300 हो गया, 300 रुपए, 300 रुपए, जो 200 वाला 300 रुपए, काले निशान है और बिल्कुल बारीक है वो। फिर 300 में भी खर्चा तो काफी पड़ जाता है जी। 170 रुपए पन्नेट का खर्चा आ रहा है। अच्छा जी, अच्छा, टोटल उसका डब्बे का, पैनेट का जी, किराया कमीशन ये मिला सब। अच्छा जी, लोडिंग अनलोडिंग, फिर भी क्या बचा जी उसको जी? हाँ, तो ये तो माल क्या करें, वो बारीक माल है। अच्छा, बाकी अच्छा माल तो आज भी है 450-500 से लेके 500 रुपए। अच्छा जी, अच्छा। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, भगवान करे किसानों के पैसे बनते रहे, ये बारिश ने वहाँ पे बहुत खराब कर दिया बेचारे। अच्छा जी, उनका नुकसान बहुत हुआ है अब की बार जी। ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ उनको, बेचारे को रेट मिले, अच्छे रेट मिले। तो अब की बार पिछले साल के मुकाबला क्या उम्मीद है जी अंगूर की जी? अब थोड़ा 20 तारीख के बाद साये चालू है, फिर इनको रेट भी मिलेंगे भगवान की दया। नहीं, पिछले साल से रेट ठीक रहेगा जी? हाँ, उससे उम्मीद रहे ठीक रहेगा। अच्छा जी, पहली फसल बारिश की वजह से छोलापुर वगैरह नाथी खराब हो। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? बालाजी फ्रूट कंपनी, आरती फ्रूट कंपनी, HN मोटवानी। हाँ जी, और मोबाइल नंबर जी? 9811292622। बहुत बहुत शुक्रिया। जान लेंगे तरबूज मंडी में आज का, तरबूज का क्या बाजार चला, जो तरबूज की कितनी गाड़ियां हैं मंडी में, तरबूज सरदा और मिलेगा दोस्तों बोबी खरबूजा, जान लेंगे बोबी खरबूजे का भी क्या बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी। बढ़िया जी, भाई साहब जी, भाई साहब कितनी गाड़ियां आ रही जी मंडी में जी? तरबूज में, तरबूज की गाड़ी कम से कम 18-20 गाड़ियां आज। अच्छा जी, 18-20, तो पुरानी भी है जी इसमें कोई बैलेंस? सारा गाड़ी भी है और ताजा भी है आज। अच्छा जी, तो जो बात करें जी अपने जो महाराष्ट्र वाले तरबूज है जी, इनका क्या बाजार चल रहा जी? महाराष्ट्र के तरबूज का बाजार चल रहा है 20 से 21 रूपए, 18-20-21, 4 दाना 18 रूपए, जो 3 दाना 4 दाना होता है ना डब्बे में, हाँ जी, हाँ जी, 4 दाना 16-18। अच्छा, 3 दाना 20-21। अच्छा जी, और जो बात करें जी अपना जो अपने राजस्थान वाले हैं जी, राजस्थान वालों माल की अब कोई ज्यादा खास डिमांड नहीं है, 10 रूपए भी है, 8 रूपए भी है, जैसा माल है वैसा रेट है उसका। अच्छा जी, हाँ जी, इन क्वालिटी का फर्क पड़ गया जी, क्वालिटी का। और जो तेलंगाना के बढ़िया है, हैदराबाद वाले टॉप क्लास के जो तरबूज है उनका रेट 21-22 लास्ट एकदम। अच्छा, आज की डेट में जो कोई ज्यादा खास उठाव है नहीं तरबूज का। अच्छा जी, और जो बात करें जी सर्दे का कैसा बाजार चल रहा है जी? 5 दाने का सर्दे का बाजार काफी डाउन हुआ है पहले से। हाँ जी, 5 दाने का बाजार चल रहा है 300 रुपए का, और ये 6 दाना 320, 6 दाने का 280 रुपए। ये सूर्या संटू? ये संटू है जी। और सूर्या का बाजार? सूर्या का बाजार 280 रुपए 5 दाना, 6 दाना 250 रुपए, वो और सस्ता है जी, वो और सस्ता है जी। और जो बात करें जी बोबी खरबूजा जी है, बोबी खरबूजे का रेट 400 से लेके 600 रुपए का है, 400 से 600 रुपए 10 किलो का जी, 10 किलो का जी। अच्छा जी, अच्छा, वो 3 ही आइटम आ रही जी? हाँ जी, 3 आइटम आ रही। धन्यवाद भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल शॉप नंबर 2209, मोबाइल नंबर 9560271180। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। तो जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का नारियल पानी का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितना नारियल पानी आया जान लेंगे भाई साहब से आज का क्या कुछ बाजार चला।
नमस्कार जी, आज तो प्रधान जी भी यही बैठे जी। हाँ जी हाँ जी सर जी, कितनी गाड़ियां है जी आज की, क्या पोजीशन जी? 28 आई है, पोजीशन डाउन है थोड़ी। हाँ जी बाबू जी, कैसा बाजार चला जी? बाजार बढ़िया बाबू जी। अच्छा जी, आज कितनी गाड़ी हो रही जी? आज मंडी में 40 गाड़ी है। 40 गाड़ी जी, तो आज का क्या रेट चला जी? बहुत जी, गुजरात बिक रहा है 32 से लेकर 35 तक। 32 से 35, और जो अपना बेंगलोर जी? बेंगलोर बिक रहा है 35 से 38। और पन्नी का रेट जी आज का जी? पन्नी का गुजरात की पन्नी बिक रही है 32-33 रुपए की। अच्छा जी, और बेंगलोर की बिक रही है 36-37 रुपए। और जो परचून के छांट के जी? 40 रुपए। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी। अपना मोबाइल नंबर जी? 8010-8033-76। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लो जी प्रधान जी, आपका भी यही रेट चल रहा है जी आपकी दुकान पे जी? नमस्कार राणा जी। हाँ जी, आज गाड़ियाँ 28 आई हैं टोटल ताजी। अच्छा, बाकी पुरानी 10-12 पुरानी है, वो मिला के 40 गाड़ी हैं टोटल। अच्छा जी, गुजरात बिक रहा है 30-32 रुपए तक। अच्छा जी, और बंगलोर बिक रहा है 32-35 रुपए तक। अच्छा, हर दुकान के रेट में 1-2 रुपए का डिफरेंस तो चलता है जी, क्वालिटी के हिसाब से चलता है वो, क्योंकि गाड़ियों का हिसाब होता है ना अपना। अच्छा जी, किसी की महंगी गाड़ी भरी हुई है, किसी की थोड़ी सस्ती हो जाती है। अच्छा जी, आंध्रा वाली गाड़ी चल रही है वो 30 रुपए बिक रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, धन्यवाद सर जी। अपना मोबाइल नंबर जी? 9312833267 8800121515। बहुत बहुत शिव फ्रूट कंपनी, धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का पाइन एप्पल का क्या बाजार चला। भाई साहब के पास ये राजा पाइन एप्पल है, और दोस्तों ये सामने है जो गाड़ी, ये है रानी पाइन एप्पल। जान लेंगे रानी पाइन एप्पल का, राजा पाइन एप्पल का क्या बाजार है। सर जी नमस्कार जी। सर जी कैसा बाजार चल रहा जी पाइन एप्पल का? राजा की कितनी गाड़ियाँ आ रही जी आजकल? राजा की आ रही है 5-6 गाड़ी है इसकी, राजा की जी। ये छोटे साइज का भी है जी कुछ इसमें? हाँ, मोटा छोटा सभी आता है जी। अच्छा जी, राजा का क्या बाजार चल रहा है जी इसका? राजा बिक रहा है 30-32 रुपए किलो। और ये रानी वाला जी, लंबे वाला जी है? रानी बिक रहा है 45 रुपए किलो। रानी 45 रुपए। रानी की कितनी गाड़ियाँ आ रही जी है? रानी 7-8 गाड़ी है मार्केट में। अच्छा जी, इस गाड़ी में जो सी अन्ना गाड़ी है जिसमें रानी कितने टन आ जाता है जी? इसमें आता 16-20 टन। 16-20 टन जी। और जो ये राजा वाली आती है जी? राजा आता 12-13 टन। 12-13 है, ये जगह कम ज्यादा लेता है जी। हाँ जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस, इन भाई साहब का कॉन्टेक्ट नंबर, इनका 12 महीने पाइन एप्पल का ही काम है।